हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का जो एग्जाम्स होने वाला है, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे जा सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, 5 माइनस एंड देन थर्ड ब्रैकेट 4 माइनस सेकेंड ब्रैकेट है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों करना क्या होता है कि ब्रैकेट बोडमास रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट काम करेंगे, तो ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग सेकेंड एंड देन थर्ड। इससे पहले दोस्तों क्या होता है कि लाइन का काम आता है, बट यहाँ पे लाइन नहीं है, क्लियर। तो देखोगे, तो अब इस ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखोगे, अब ये प्लस थ्री है और ये माइनस थ्री है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, माइनस सिक्स। अब ब्रैकेट का काम कंप्लीट, अंदर माइनस सिक्स, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खोल देते हैं इसे, तो बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स। अच्छे, अब ये प्लस हो गया ना, आगे की तरफ प्लस है। अब यहाँ पे देखोगे थ्री है, तो थ्री प्लस सिक्स कितना होगा दोस्तों, नाइन। तो अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ क्या साइन है, माइनस, तो माइनस नाइन, एंड देन यहाँ क्या है, फोर। तो अब ये कितना हो गया, माइनस फाइव, नाइन से फोर गया फाइव, अब नाइन बड़ा है, साइन माइनस है, माइनस, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ क्या है, माइनस, तो ये माइनस माइनस दोस्तों क्या होगा, प्लस, यहाँ क्या है, फाइव, तो फाइव प्लस फाइव टेन, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों टेन। तो इस तरह से आप विद इन सेकेंड आंसर को निकाल सकते हो। इस प्रोसेस से करोगे तो रोंग होने का चांस नहीं रहेगा, आप क्वेश्चंस करेक्ट आंसर ही निकालोगे, विद इन सेकेंड वो भी निकालोगे, ठीक है। इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं इस तरह क्वेश्चन, आई वाई क्वेश्चन है। यहाँ देखोगे 0.03 स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर है डिवाइड बाई, ये सेम आपको यहाँ पे माइनस है। तो दोस्तों, आप लोग स्कूल लाइफ में एक फार्मूला पढ़ के आए होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है एक बार ए प्लस बी एंड देन इनटू ए माइनस बी, ठीक है, याद होगा। तो देखोगे ऐसे कंडीशन में दोस्तों कि ये जो है ना, इसको आप ए ले लो और इसे आप बी ले लो, तो देखोगे नीचे ए माइनस बी है, यानी ये पार्ट नीचे है ना, गिवन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, प्लस बचेगा ना, ए प्लस बी। तो बस आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखोगे इन दोनों को प्लस कर दो और आंसर आ गया। आप माइंड में ही प्लस कर सकते हो, बट मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 0.03 एंड देन नेक्स्ट है 0.01, तो प्लस करो, ये 314, ये 0, ये पॉइंट, ये 0, यानी आंसर हो गया 0.04, ऑप्शन नंबर हो गया डी, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। यहाँ देखोगे अब इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, तो रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 11, ऐसे कंडीशन में दोस्तों जब भी आ जाए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईवाई क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एकदम एंडिंग से करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ देखोगे रूट अंडर क्या है, 49, तो ये कंप्लीट एक स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर है, तो 7 क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 7 बाहर निकल जाएगा, तो 29 में ये प्लस है ना, तो 7 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना होगा, अब ये फिर एक स्क्वायर नंबर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो ये कितने का हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 36 होगा, 36 कितने का स्क्वायर होता है, पता ही है आपको, 6 का स्क्वायर, फिर ये रूट है ना, यहाँ पे देखोगे ये रूट है, तो फिर बाहर आ जाएगा 6, तो इस 6 को फिर इसके साथ हम प्लस करेंगे, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, 19 प्लस 6 25, तो फिर यहाँ से क्या आएगा, 5, इस 5 को इस 11 के साथ प्लस करोगे तो कितना होगा, 16, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर कितने का है भाई, 4 का है, तो 4 आया, तो 4 प्लस 5 क्या होगा, 9, तो फाइनली आपको मिला क्या, रूट अंडर ये 5, इधर से यहाँ तक को मिला आपको 4, तो 5 प्लस 4 हो गया 9, और 9 कितने का स्क्वायर होता है, 3 का, तो आंसर क्या होगा, 3, रूट से बाहर आ जाएगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अब देखोगे यहाँ पे ध्यान से कि अब ये ऊपर सेम क्वेश्चन नंबर 2 को जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी था, अब यहाँ पे देखोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसको अगर ए ले लो और इसको आप बी ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और नीचे क्या है, 20 है, तो क्या करेंगे, तो 20 आएगा, प्लस करेंगे तो 20 तो आने वाला नहीं है, तो माइनस करेंगे तो शायद 20 आ जाएगा, चेक करोगे आप, 8 से 8 गया 0, ठीक है, 5 से 5 गया 0, और 7 से 5 गया 2, यानी 20.0, यानी 20 ही होगा ना, तो इसे पॉइंट नहीं लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट 20 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, माइनस वाला कैंसिल, तो बचेगा क्या दोस्तों, ये प्लस बी ही बचेगा ना, तो इन दोनों को आप प्लस कर दो और आंसर आ गया, तो 8 प्लस 8 16,
कैरी 1, 5, 5, 10, 1, 11, कैरी 1, 7, 5, 12, 1, 13, और एक डिजिट के बाद क्या था, पॉइंट था, तो यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, यानी आंसर हो गया 131.6, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखोगे 9 एंड देन ये एक साइन आपको नया दिख रहा है ना, तो दोस्तों इस साइन को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। तो याद रखोगे अगर दो इस तरह से अब अगर लाइन आपको हो और इसके अंदर कुछ भी एक वेरिएबल हो या फिर नंबर हो, मान लेते सपोज माइनस टू है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, आप याद रखोगे पॉजिटिव लिखेंगे, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखोगे आप। तो यहाँ देखोगे 9 एंड देन मॉडुलस 3 माइनस 5 एंड देन माइनस 5 एंड देन मॉडुलस 4 डिवाइड 10, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, मॉडुलस का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर वाला काम करेंगे, तो 3 से 5 गया तो दोस्तों क्या आएगा, माइनस 2 अंदर आएगा, है ना, और माइनस 2 के लिए हमारा क्या बताया था अभी आपको, प्लस 2 आएगा, तो ये 2 देगा। अब यहाँ पे 9 है तो 9 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा 18, तो ये वाला पार्ट तो दोस्तों आपको मिला 18, क्लियर, एंड देन माइनस रखते हैं माइनस। अब ये 4, तो यहाँ तो माइनस है नहीं, तो डायरेक्ट क्या होगा, प्लस 4 ही आएगा, तो 5 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा 20, या फिर 5 इंटू 4 ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। अब ये डिवाइड दोस्तों 10 है, तो 10 कहाँ आएगा, इसके नीचे, तो इसके नीचे आ गया 10, ठीक है। अच्छा अब देखोगे 5 से ये गया 2 टाइम्स, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, यानी 2 आएगा, तो आंसर क्या हो गया 18 माइनस 2 यानी 16, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 16, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 और 4 के ऊपर 12 है, इस तरह से स्क्वायर रूट ये आपसे पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि इसको कैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं बार को, तो क्या करेंगे, ये 4 है, 4 ऊपर रखेंगे, एक डिजिट पे एक बार है, यानी एक 9 नीचे आ जाएगा, एक सिंगल डिजिट है तो सिंगल 9, डबल होता तो डबल 9, 3 होता तो 3 9, क्लियर। तो अब देखोगे अब इसको रूट से कैसे निकालेंगे, तो ये तो एक स्क्वायर नंबर है, कितने का, 2 का, ये 3 का, तो 2 बाहर आ गया, यहाँ से 3 आ गया, ठीक है, तो आंसर आ गया दोस्तों 2/3, बट ऑप्शंस में देखोगे तो 2/3 कहीं ऑप्शंस नहीं है, तो किस में दिया हुआ है, बार में दिया हुआ है, तो बार में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे रेकरिंग था तो यहाँ पे बार ऑलरेडी था, तो इसको हम लोग कन्वर्ट किए किस में, फ्रैक्शन में, तो नीचे 9 आया, तो अगर हम दोस्तों यहाँ 9 बना दें इस तरह से, तो 3 3 9 और 2 3 6 लिख सकते हो ना, कैंसिल करोगे तो 2/3 ही आएगा, जो ऑप्शंस में था जो सिंप्लीफाई करने के बाद मिला आपको, ठीक है। अब देखोगे अब नीचे क्या है, 9 है, तो इसको फिर से आपको किस में लेकर जाना है, बार में लाना है, तो एक ही 9 है ना, तो एक डिजिट के बाद क्या करेंगे, उसी पे हम लोग बार लगा देंगे, यानी 6, तो एक ही डिजिट पे हम लोग बार लगा देंगे, और यहाँ एक क्या देना होगा, पॉइंट देना होगा, यहाँ एक 0 लगा दो, आंसर हो गया, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.6 और 6 के ऊपर 12, ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हो, 2/3 आया, इस तरह से आप डिवाइड करोगे, इस तरह से आप डिवाइड करोगे 3 से 2 को, तो पॉइंट दोगे 0 दोगे 6 दोगे 18 होगा, 2 आएगा, फिर अगेन 0 दोगे 6, ये कंटिन्यू आते रहेगा, तो ये क्या लिखोगे, 0.6 बार ही लिखोगे, ठीक है। और उससे भी ये ट्रिक से ये आप याद रखोगे, जब हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस फॉर्म में ला भी सकते हैं, है ना, सेम प्रोसेस से। तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, जो अभी लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का जो एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।